मूव। सीधा उठा के पकड़ मिया, एक तरफ से पूरा देवचा झुका दिया, पूरा लोड मेरे ऊपर आ रहा, उठा। अरे अरे ठहरो भाई, रखो नीचे दो मिनट। ठहरो भाई, हाथ दर्द हो रहे पहले। जान दे, मैं तेरे को शाम में कड़वा तेल लगा के बेहतरीन मालिश करता हूँ, उठा। रोज ऐसी बोलते भाई तुम, शाम में मालिश करता हूँ, शाम में मालिश करता हूँ। शाम होते की अरे मियाँ आज बहुत देर हो गई, अपन कल देखेंगे बोल के तुम चले आते घर को। अरे मियाँ आज शराबियों के बाद पक्का पंडो तेरी मालिश करता हूँ, उठा। ठीक है दरो, हल्लू हल्लू उठाओ। ये तो अपना नूर दिख रहा है, कहाँ से उठा कर लाया कि देख सा, पूछेंगे ठहरो। अरे नूर, अरे कहाँ से मार को ला रहे, देख सा। ये अलग मामला है रे भाई, अब रमजान का महीना इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, मैं तो खाली पीली अपने गुनाह बढ़ते। सही बोले भाई। पितल का है रे वो, लेकर रे 150 रुपए देती हूँ इधर लेकर। चल भाई चल, जान दे, उनका उन आउट लेते रहते, अपना अपन जाके काम करेंगे, उठा। ठीक है भाई। कहाँ से चुरा के ला रहे बट्टे पास बात। तुम्हारे सर का समझे क्या, लोगों के घरों में झाग लेते फिरने। क्या बोल रहा रे भाग, चप्पल बिर का मार दियो तेरे को। भाग रे भाग, चप्पल लेके मारती बूटी भाग। लो भाई घोटा। अच्छा साफ धोके ले लेके आया तो। वेरी गुड, स्टार्ट, मार घोटा। मेरे से ना होता भाई घोटा मारना, पहले मेरे हाथ में दुनिया का दर्द है। क्या कमजोर मम्मी डैडी के पुट्टे हो गए आजकल के। अरे मियाँ मर्द आदमी बोल तो कैसा रहना, मारे घोटा तो दीक्षा बना मांगना। हाँ तुम मारो ना भाई, तुम मर देना। हाँ ये क्या क्या बोल रहा रे लौंडे, मजाक करा भाई। तू भी मजाक का ही दिख रहा मेरे को। ला अब देख नूर भाई कैसा घोटा मारते, दीक्षा बना मांगना खाली। बिस्मिल्लाह। अब्बा वाकई में क्या घोटा मार रहे नूर भाई, दीक्षा चीखा मार रहा भाई। ओफो ये कई की आवाज थी भाई, सही भी दीक्षा को दर्द हो रहा क्या। कुछ अलग हालात दिख रहे देख के, जरा तुम झांक के तो देखो क्या मामला है आखिर। जरा तू झांक। अरे हट, मेरे से ना होता भाई, अंदर कुछ भी रहा तो अम्मा मैं ना झांकता। क्या डरपोक है रे, मैं झांक तो देख। अस्तगफुरुल्लाह। अरे क्या नूर भाई, मेरे को डाल के ऐसी घोट देते। अब्बा अब्बा पुकार रहे तो भी घोटते दिया रे। अच्छा तो इन्हें था अंदर। तू देख के अंदर गयू घुस गया रे। साफ कर रहा था भाई। अंदर उतर के गयू साफ कर रहा था, बाहर ठहर के झुक के साफ करना था। झुक के साफ करने में अंदर गिर गया भाई। अरे तो अंदर गिर गया तो बाहर निकल जाना था रामिया। बाहर ही निकल रहा था, तुम घोटा मारना शुरू कर दिए। अच्छा रो न करे भाई, जान दे आजा। काफी निशाना है जी पे, चेसी पे दिया क्या घोटा इन, पीछे से लाल हो गया। ड्रम आ जा, पानी हिला के ला उसको। अब पूरा घोटे को और देखे को गुसल कराना पड़ता। तोबा 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 तोबा। छी 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 छी। नूर भाई की घोटे की अली में, नूर भाई की घोटे की अली में। आइए भाई आजो आजो। हाँ बोलो भाई क्या होना। मैं हूँ रे भाई। क्या पुकार रहा रे लौंडे ये। नूर भाई की घोटे की अलीम बोल रहा हूँ। नूर भाई की घोटे की अलीम बोल तो लोगा क्या समझेंगे, नूर भाई को घोट के हलीम बनाए समझेंगे। उनसे लोगा जी, गिरा किस नहीं आ रहा यहाँ पर। ऐसा पोटियों की आवाज में पुकारे तो गिरा काशेगा, गिरा को बुलाने के मर्दाना आवाज होना पड़ता। नीचे उतर, देखेंगे तुम्हारी मर्दानी आवाज में कौन आती है। देख अब नूर भाई बताएंगे तेरे को कारोबार कैसा करती। बिस्मिल्लाह। बन जाता
नहीं है। आज नूर भाई हलीम वाले बोलते गरम गरम ताजा ताजा घर को ले जाके खा जा इसके अंदर डाला डाला नींबू मिर्ची गरम मसाला हरा मसाला खड़ा मसाला अदरक लहसुन धनी डाला काजू बादाम खोपरा काला गोश्त गला के घोटा मारा असली घी का ले भी प्यास ऐसा मोटा किशमिश का दाना आजा खा जा। इसको बोलते कारोबार वाके बात बोले भाई नूर भाई दो पार्सला मैं भी लेके चले आता ना भाई लेके जामिया शुक्रिया नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया नहीं बेटे आज का तुम्हारा भत्ता बराबर हो गया समझो जाओ अरे क्या भाई जल्दी जाके जल्दी आप लेटा धोना है भाग कितना शेरवा भाई आधा भगो ना चलो अलहमदुल्ला तू वहां क्या कर रहा मक्खी आ रहा भाई देख के एक आध बड़ी मक्खी आ गई तो तेकू लेके उड़ जाएंगी अच्छा नूर भाई एक सवाल पूछना था जी तुम्हारे से क्या है पूछ भाई ये असली घी और नकली घी में क्या फर्क रहता एकदम आसान है मियां असली घी जो है ना वो असली रहता और नकली नकली रहता चमचे देख चमचे की अस्सलामुअलैकुम भजन आ गया जी ने जैसा गांव बसने से पहले लुटेरे आ जाते बोलते थे वैसा मैं कुछ भी कारोबार शुरू करने से पहले इन्हें आ जाता मंगने हेलो एक्सक्यूज मी भजन हेलो मंगने आ किसको बोल रहे तुम्हारे साथ समझे क्या भजन छोड़ में तो मंगने वाले आते हैं लेकिन होबो हमेशा कैश लेके अकेला ही आता है कैसा प्लेट है हलीम 120 रुपए प्लेट है लो एक प्लेट दियो असली है रही है चला के देखो आज तुम्हारे से तेज भागती आज भोती फुर्ती में दिख रहा है माजरा क्या है आखिर अपने को भी नहीं मालूम क्या है कि उस्ताद खैर अपने को क्या करने का है अपना अपने को कारोबार हुआ तो बस है एक प्लेट हलीम दे मियां इसको दे रहा हूं बस हेलो भाई हेलो हलीम हेलो मियां तेरे 80 रुपए वापिस वापिस नहीं लेते अपन 80 रुपए तुम टिप समझ के रख लो और तुम भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा था हाय हाय भाई इन्हें तो तुम्हारा कुछ शाड़ बता के चलेगा नूर भाई पूरी तुम्हारी बेइज्जती हो गई पूरे लोग तुम्हारे कुछ देख रहे अब मैं क्या मुंह दिखाओ लोगों को सही भी पूरे लोग घूर रहे मियां खैर ये बात को यही खत्म कर दो अगर पब्लिक में मालूम हो गया कि नूर भाई का साला नूर भाई की बेइज्जती कर दिया बोल के तो पब्लिक में अपनी इज्जत नहीं रहती यही दबा दो बात को क्या कर रहा रे भाई बात को यही दबा दे रहा हूं वेरी गुड तू क्या कर रहा है बात को खत्म कर रहा हूं भाई कंटिन्यू कैरी ऑन लगे रहे खत्म कर दे इनू कहीं को फोन कर रही की हेलो कारोबार पे हूं कहीं के पैसे सौदे के पैसे थे वो फोन रखो तुम रखो फोन मैं बोलता हूं अरे कमीने अरे होबो पकड़ के लाओ उसको वाह 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 वाह
भजन नहीं कर दो भजन हिला तो मार उसको अल्लाह भजन नहीं कर दो भजन लौंडे नूर भाई से होशियारियां करता नूर भाई बोलते मेरे को जा सुई ने घुसती वहां सब्बल घुसा तो मैं भट्टी बंद करे तक वैसी बिठा के रखो उसको अस्सलामुअलैकुम नूर भाई वालेकुम सलाम आप कौन अरे ये तो अपना पैकेट है भाई ओफो अबा क्या शरीफ बन के निकला भाई कुर्ता पजामा पहना सो देखो ओफो अबा टोपी लगाए सो देखो भाई आज नहीं चढ़ा है क्या नहीं नूर भाई छोड़ दिया शराब पीना रमजान है ना ये अच्छा हिसाब है रे भाई तुम लोगों का रमजान में सब छोड़ के शरीफ शहजादे बन जाते जैसा रमजान खत्म होते की लियो वही कंटिन्यू हरामकारी डेली से लड़ाई उससे झगड़ा अरे मियां माशाल्लाह इतना अच्छा मौका मिला तुम्हारे को अब हमेशा के लिए शराब छोड़ दो तौबा करो मियां देखो माशाल्लाह कितने प्यारे दिख रहे तुम सही बोले नूर भाई अब पक्का इरादा कर लिया आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा बोल के हराम है मियां एक वाकया सुना तो तुम्हारे को सुनो एक हमारा बहुत खास दोस्त है हमेशा शराब पीता था बगैर नशे के एक दिन नहीं गुजरता था उसका एनी टाइम नशे में धुत रहता था एक दिन अचानक उसके वालिद का इंतकाल हो गया अब इन्हें नशे की हालत में धूत है अब घर में गया तो इसके अम्मा भाया बहना जो है वालिद साहब के जनाजे के करीब नहीं आने दिए उसको वालिद का दीदार करने नहीं दिए कट के रह गया उन्हें और उस दिन उसको ये एहसास हुआ कि ये हरामकारी के चक्कर में उसके वालिद का उन्हें आखिरी दीदार नहीं कर सका वालिद के जनाजे को कांधा नहीं दे सका उस दिन जो ने सच्ची तौबा करा ना मियां आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मस्जिद की खिदमत में लगे हुआ है नूर भाई मैं शराब पी के बहुत बड़े बड़े गुनाह करा नूर भाई अब मैं दिल से तौबा करा तो मेरी तौबा कबूल होती नूर भाई कई गुने होती इंशाल्लाह 100% आपकी तौबा कबूल होती अरे मियां अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो मेरा बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा और गुनाहों को छोड़ देगा तो मैं उसके सारे गुनाह माफ करूंगा ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई बहुत प्यारी बात बताया आप इंशाल्लाह आज के बाद कभी बुरा काम नहीं करूंगा मैं और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा नूर भाई इंशाल्लाह मियां अल्लाह आपके इरादों में बरकत दे मियां आमीन शुक्रिया नूर भाई चलता हूं मैं ऐसा कैसा जाता अरे मियां आमिर 2 प्लेट हलीम पार्सल दियो नूर भाई की तरफ से सलमान भाई को दे रहा हूं भाई एलेमिया मेरी तरफ से तोहफा बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई दुआ में याद रखो आप भी रमजान मुबारक आपको भी सलामत भजन मैं भी तोहफा कर लिया भजन आपसे नहीं कर दो भजन छोड़ दो मैं उसको भी तो आ रहा हूं